हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं प्रतीक और आप दिख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी आईपीओ के बारे में। आज जो है हम इसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे कि हम इसमें जो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें या ना करें, इसमें लिस्टिंग गेन हमें मिल सकता है कि नहीं, इसलिए हम जीएमपी भी इसका चेक करेंगे, सब्सक्रिप्शन गेन चेक करेंगे, सब कुछ आज हम डिटेल में इसको जानेंगे। तो शुरू करेंगे हम, अगर सब्सक्रिप्शन टाइम से अगर चेक करें तो डे वन का सब्सक्रिप्शन डेटा हमारे पास जो है वो आ चुका है। आज का फर्स्ट डेटा अगर हम बात करें तो इसका, अगर हम बात करें क्यू आई बी का, तो क्यू आई बी में 0.00 का सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ भी नंबर जो है देखने को नहीं मिलेगा। एन आई एस के पास जो है वो 0.02 टाइम्स जो है वो सब्सक्रिप्शन हो चुका है, और रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पास जो है 0.72 टाइम्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो है रिटेल्स ने यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन टाइम्स जो है उनका हुआ है। ई एम पी का बात करें, मतलब एम्प्लॉयज़ की बात करें, तो 0.35 टाइम्स जो है वो एम्प्लॉयज़ का भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जो है हो चुका है। टोटल जो नंबर हमारा आ रहा है वो 0.36 टाइम जो है वो हमें कुल मिला के मिल रहा है, जो कि ज़्यादा बड़ा अमाउंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन डे फर्स्ट है इसी वजह से ठीक है। अगर हम बात करें तो आज जो ये शेयर की बात करें तो ओपनिंग जो डेट है वो 10 थी, मतलब आज थी, और क्लोजिंग जो डेट होगी वो 12 होगी, तो 12 तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस की बात करें आईपीओ प्राइस की, तो 596 की प्राइस से लेकर 630 की प्राइस तक ये हमें मिल जाएगा। आईपीओ साइज की बात करें तो 508 करोड़ से लेकर 538 करोड़ तक की इसकी साइज है। बीएससी में से दोनों से ये अप्लाई कर सकते, लॉट साइज 23 की है। तो ये हो गई छोटी मोटी बातें, जीएमपी भी हमने देख लिया, सब कुछ सब्सक्रिप्शन टाइम भी देख लिया, फंडामेंटल्स भी आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर हमें क्या कुछ दे सकता है या नहीं दे सकता ये जानेंगे। तो इसका आरओसी जो है वो बहुत बढ़िया आरओसी है, मतलब 41.4 का आरओसी है, 33.5 का इसका आरओई है, तो आरओसी आर बहुत बढ़िया है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आरओसी आर के मामले में अगर हम देखें तो दोनों ही बढ़िया चल रहे हैं। कंपनी पे कर्जा नहीं है, कर्जा नहीं है, मतलब 12 करोड़ का कर्जा है, 0.08 का डेप्ट रेशियो, मतलब निग्लिजिबल डेप्ट है। यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। इसी के साथ कंपनी ने अपना डेप जो है वो रिड्यूस भी किया है, मतलब थोड़ा सा बचा है, जैसे हमने यहाँ पे देखा लगभग 12 करोड़ का बचा है, वो भी कंपनी कम करने में लगी हुई है। कंपनी ने कम करके इतना लाया है, जो कि एक अच्छी बात है कि कंपनी अपने डेप जो है वो कम कर रही है, मतलब कंपनी जो है अपना फ्यूचर जो है वो ग्रो करना चाहती है, इसीलिए अपना कर्जा कम कर रही है, या फिर उसका जो है प्रॉफिट्स वो बढ़ रहे हैं। तो प्रॉफिट्स देख लेते हैं, प्रॉफिट 45 करोड़ का बनाया था इन्होंने 21 में, 21 के से पहले 28 करोड़ बनाया था 2020 में, और 2019 में 21। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों में यहाँ पे ग्रोथ हुई है, ग्रोथ अच्छी खासी हुई है। लास्ट ईयर में 62% की ग्रोथ हुई है, और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 25% की हुई है। सेल्स बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छी खासी फंडामेंटल की निशानी है। अभी अगर हम बात करें तो 28 से लेकर 45, मतलब एक अच्छे खासी वैल्यू के साथ कंपनी ने अपने जो है फंडामेंटल्स इंक्रीज किए। एसेट जो है वो इनके पास 285 के एसेट्स है, कैश फ्लो 19 का पॉजिटिव में इनके पास जो है वो अभी अवेलेबल है, तो फंडामेंटल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम जाए तो आरसीआर अच्छा खासा है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, डिप्रिशिएट है, सब कुछ अच्छा खासा है। बस अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर जीएमपी की बात करें तो यहाँ पे अभी सब्सक्रिप्शन इतना ज़्यादा हुआ नहीं है। अगर सब्सक्रिप्शन बात करें तो डे टू का हमें वेट करना चाहिए, अगर वहाँ पे अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन आता है तो वहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन गेन मिलने के थोड़े से चांसेस है, लेकिन अभी तो ऐसे कोई चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। थैंक यू।